जो हिटलर का हुकूमत कैसे करते थे वैसा ये मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमर गए, गृहमंत्री अमित शाह अमर गए। मैसूर के सांसद को पूछने तैयार नहीं, तुम कैसा दिए क्या नहीं, उनको इंक्वायरी करने तैयार नहीं, लेकिन कैसा है बोल के पूछे से लोगों को सांसदों को सस्पेंड करते। प्रधानमंत्री मोदी अमर गए। अब तक आज तक ऐसा कभी भी 146 लोगों को सस्पेंशन नहीं करे थे। हिटलर शाही हुकूमत चला रहे इसीलिए हम उसको कंडेम करते हैं। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. आज हम गुलबर्गा DCC के तरफ से जो संसद में जो अटैक वो अंदर जो अटैक करे लोग वो लोगों के वास्ते वो हमारे होम मिनिस्टर को रिप्लाई कैसा ये वैफल्य कैसा ये वो हो गया वैफल्य कैसा हो गया उसके बारे में हमारे संसद ने उनको क्वेश्चन करे तो वो लोग आके आंसर देने को भी तैयार नहीं। होम मिनिस्टर ये 146 लोगों को उन्हें क्या भी नहीं था कैसा आए वो लोग इतने सिक्योरिटी रहने के बाद भी अंदर कैसा आए, इसीलिए आप आके हमारे क्वेश्चन को आप आंसर देना बोल के पूछे तो होम मिनिस्टर आके आंसर देने को भी तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी आंसर देने को तैयार नहीं है, क्या भी बड़ा बात नहीं, लेकिन उनका जो ये जो डेमोक्रेसी को जो डेथ कर रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले पूरे इस मुल्क में इस देश में आज तक 146 लोगों को सस्पेंड करे सो ये हिस्ट्री करे बीजेपी वाले। अब तक ऐसा कभी भी 146 लोगों को सस्पेंशन नहीं करे थे, ये लोग एक हिस्ट्री करे। जो हिटलर का हुकूमत कैसे करते थे वैसा ये मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। ये मोदी अमित शाह को छोड़ के इस देश में कौन मंत्री है बोल के किनको भी मालूम नहीं है, ओनली मोदी अमित शाह कहाँ कौन सा मिनिस्टर क्या है बोल के भी लोगों को आवाम को मालूम नहीं है। ऐसे हुकूमत चला रहे ये लोग ये मैसूर के सांसद को पूछने तैयार नहीं, तुम कैसा दिए क्या नहीं, उनको इंक्वायरी करने तैयार नहीं, लेकिन कैसा है बोल के पूछे से लोगों को सांसदों को सस्पेंड करते ये लोग। और वो अंदर इतना लोग अंदर है कैसा है ये सिक्योरिटी, इतना सिक्योरिटी तोड़ के कैसा है लोग उनके ऊपर ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेने तैयार नहीं, लेकिन पूरे सांसद को हमारे 146 सांसद को ये सस्पेंड करते बोले तो ये पूरा डेमोक्रेसी का और हिटलर शाही हुकूमत चला रहे इसीलिए हम उसको कंडेम करते हैं। इसलिए आज हम पूरा तमाम देश हम कर रहे हैं, आज भी हम गुलबर्गे में इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। 70 साल में कांग्रेस क्या करी, मोदी पूछता अमित शाह पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या करी। अरे तुम जो घटिया काम करे ऐसा तो काम नहीं करी कांग्रेस, अच्छा काम करी, सबको लेकर चली, किसी को सस्पेंड नहीं करी, अच्छे को बुरे को सबको लेकर चली। तुम 70 साल का हिसाब पूछ रहे नहीं, अरे तुम 10 साल का हिसाब पढ़े या दो हमारे को, क्या तुम्हारा गुंडागर्दी तुम्हारा गुंडा राज तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेंगी, या अगर आपको राजनीति नहीं समझ रही तो रिजाइन करो, या नहीं बोले तो पूरी अवाम मिलकर पूरे अवाम के सामने आप माफी मांगना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते। अगर गरीबी शर्म है तुम लोगों में तो माफी मांगना या रिजाइन करना। ये सरकार को है ना डर है, कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है तो इन्हों क्या कर रहे, पार्लियामेंट में कोई रीजन नहीं दिखा रहे, 140 लोगों को निकाले। हम उनसे पूछना चाहते हैं आप निकालने की वजह क्या है, आप जैसा फर्स्ट में जीत कर आए नोटबंदी करे तो इस तरह आप नोट को जैसा बदली कर रहे ना वैसा आकर विधानसभा में पार्लियामेंट में तुम आदमियों को बदली कर रहे, ये नहीं चलेगा, हमको तुम रिजाइन दिखाना। हमारे कांग्रेस वाले उनकी क्या गलती है, पार्लियामेंट में जो आदमी 140 रिटायर ये करे उनको सस्पेंड करे, उनका रिजाइन बताना, बताने के बाद ही चेक करेंगे। आप डर रहे कांग्रेस से, राहुल गांधी से डर रहे, कितने दिन डरेंगे, एक दिन तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आप बोले तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे संविधान में है उसका तो काम करेंगे ना। अच्छा आप पार्लियामेंट में
चार आदमी खुले को क्या काम करते हैं ये तो बताओ। मेरे को इतना है इतने जीता को नहीं, ये चार आदमी पूरी हिंदुस्तान नहीं जीते तुम्हारे को, वो बताना अमित शाह भी बताना, हमारे मोदी सरकार भी बताना कि ये वजह से मैं इनको निकाले हूँ, ये बताएंगे तो जब उसके बाद हमें क्या है से आगे का हमें रणनीति बनेंगे, कांग्रेस को क्या करना है जीता को लाने का हम करेंगे। भारत देश में पहली बार ऐसी घटना हुई, सो कोई नहीं देखे, 146 लोग को अनामत कर को सदन चला रहे हैं, उसके बारे में हमारे जगदेव गुतारा अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिभटना कर रहे हैं, इडी भारत देश में कर रहे हैं। हम भी 20 साल हम सदन में गए सो अनुभव से बात करते हैं, 146 लोग को सस्पेंड कर को संसद चलाना ठीक नहीं, बीजेपी वाले को उनको शर्म आना है बात। मैं अमित शाह को एक बात पूछूंगा, इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है वो संविधान के बराबर चलना पड़ता है, आज इतने लोग को तुम सस्पेंड करे तो सदन में तुम्हें प्रश्न को उत्तर देने का था, हमारी गलती हुई करो क्षमा मांगने का था, फिर ये गलती हमारी है कर को मौन हो गए ना, उसके बारे में हमेशा गृह मंत्री को मैं कहना चाहता हूँ तुम रिजाइन देखो बाहर आना, नहीं तो भारत देश नागरिकों को क्षमे पूछना, बाबा साहब अम्बेडकर साहब उससे तुम बड़ा नहीं है, एक क्या तो भी अधिकार है कर को दुरुपयोग कर को 146 लोग को अनामत कर को सदन चलाना बीजेपी सरकार को ये शर्म आना पड़ता है, ये बात जिड़ी भारत देश को मालूम हो रहा है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष अध्यक्ष है और सोनिया गांधी है राहुल गांधी है, सदन में पूछने तैयार हो तो उत्तर को उत्तर नहीं दिए, क्यों नहीं उत्तर दिए, तुम चोर है, तुम सही रहे तो तुम उत्तर देने का था, उसके बारे में मैं हमेशा गृह मंत्री को बोलता हूँ तुम रिजाइन देखो बाहर आना, नहीं तो पब्लिक को सारी भारत देश के नागरिक को क्षमा मांगना कर को मैं हमारे कांग्रेस पक्ष तरफ से मैं उनको दबाई को डालता हूँ। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.